थिंग्स अगर आप उसके लिए कर सकती हैं तो वो मिस करेगा। मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि आप जिसे चाहती हैं, प्यार करती हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें वो 100% मिल जाए और मोहब्बत कामयाब रहे। इसमें कुछ बातें मुमकिन हैं आपके मिजाज के खिलाफ हों, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं। इस वीडियो को बनाने में भी बहुत एहतियात से काम लिया गया है, उम्मीद है पसंद आएगी। पहली बात, दूर रहें। याद रखें, प्यार की इब्तिदा में दूर रहें। शायद कोई जानता हो कि इसका क्या फायदा है कि जब वो खो जाए। आपको मेरी ये बात अजीब लगी होगी। इस तरह आप उसे हरासा कर सकती हैं, उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ सकती है। याद रखें, किसी चीज के ना मिलने से उसकी तलब में इजाफा होता है। दूसरी बात, मसरूफ रहें। दूसरा काम ये करना है कि आप मसरूफ रहें। जाहिरी सी बात है कि आप भी उसकी दीवानी हैं, लेकिन आप उससे दूर रहें और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। थोड़ा सा सबर हमेशा का सुख बन सकता है। जब आप नखरे करेंगी तो वो आपके मामले में बतदरीज सीरियस होता रहेगा, जिसका एडवांटेज आपको बाद में नजर आएगा। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप उसके लिए उतनी अहम नहीं रहेंगी। तीसरी बात, यादें। तीसरा काम ये करें कि जब आप दोनों का मिलने का सिलसिला शुरू हो जाए तो आप जहां भी डेट पर जाएं या साथ घूमें, वहां के अहम और खूबसूरत लम्हात को अपने मोबाइल में सेव करें। खासकर जो तस्वीर आप दोनों की ली गई हो वो, या सिर्फ आपकी। ताकि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा उसने मिलना कम कर दिया है तो उससे बातों का सिलसिला जारी रखें और खींची गई तस्वीर वक्तन फवक्तन उसे भेजती रहें और मिलने के लिए उसे कुछ दिनों तक टालें। इससे ये होगा कि मोहब्बत बढ़ती जाएगी। चौथी बात, हमेशा अच्छी कंपनी दें। चौथी बात, याद रखें कि आप जब भी उससे मिले एक अच्छी कंपनी दें, एक यादगार कंपनी। इसके लिए जरूरी है कि मिलने के दौरान कोई ऐसी बात ना करें जिससे एक दूसरे का दिल दुखे, बल्कि ऐसी बातें करें कि आपस में अलग होने का दिल ना करे और बिछड़ने का दुख हो। एक ऐसी कंपनी कि वो आपसे जाते जाते भी आपको मिस करे। एक ऐसी कंपनी कि आप उस पर छा जाएं, जब वो आपसे अलग हो तो हिप्नोटाइज हो चुका हो। एक ऐसी कंपनी कि वो घर पहुंचने से पहले आपको कहे कि दोबारा कब मिलेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता, इसका मतलब आपका जादू नहीं चला, आपने उसे मुतासिर नहीं किया। ये चौथा पॉइंट काले जादू से ज्यादा अहम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।